इलेक्ट्रिक कारों की सबसे बड़ी समस्या है उनका बैटरीज का डिग्रेडेशन होना। या डिग्रेडेशन क्या है, बैटरीज की लाइफ क्या है, कितनी बार चार्ज कर सकते हैं, ऐसे ही कई टॉपिक को मैं आपके साथ लेके आ रहा हूं इस वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु सीधे लेंस डाउन उत्तराखंड से। हाँ, मैं एक फैमिली टूर पर उत्तराखंड आया हूँ, पर्सनल पर फैमिली टूर पर, कोई ऑफिशियल टूर नहीं, इसलिए मैं शांति से बैठना चाहता था लेकिन मन नहीं माना और एक वीडियो आपके लिए लेकर आ गया हूँ। लेकिन वो है आपके टॉपिक पर ही है, बैटरी डिग्रेडेशन। कभी मौका मिले तो ये लेंस डाउन घूमने जरूर आइएगा, बहुत खूबसूरत शहर है और बहुत ही ठंडा शहर है, मजा आएगा। गर्मियों में शायद यह बेस्ट प्लेस होगी घूमने के लिए। दिल्ली से हार्डली 260 किलोमीटर दूर है, आप गूगल पे सर्च करेंगे सब कुछ मिल जाएगा, अच्छी जगह है, आइएगा। हम सब लोग भीड़ भाड़ वाली जगहों पर चले जाते हैं, शिमला, मनाली, नैनीताल, तो ऐसी जगह अनएक्सप्लोर्ड रह जाती हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत भी हैं। अपने टॉपिक पर, बैटरी डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन है क्या, पहले ये समझते हैं। नॉर्मल बैटरीज की लाइफ होती है, हाँ, जैसे आपके मोबाइल की, जिस पर आप इस समय मेरा वीडियो देख रहे हैं, इस पर भी बैटरीज की लाइफ है, जिन्हें आप 1000 बार चार्ज कर सकते हैं, 500 बार चार्ज कर सकते हैं, 1500 बार चार्ज कर सकते हैं। मैं जो मोबाइल यूज करता हूं इसे लगभग 1200 बार चार्ज कर सकते हैं और उसके बाद इसकी लाइफ खत्म होने लग जाती है या खत्म हो जाती है ऑलमोस्ट। इसको कहते हैं बैटरी साइकिल्स, आप उन्हें कितनी बार चार्ज कर सकते हैं। अब होता क्या है, बैटरी डिग्रेडेशन क्या है। देखिए, यह बात तो सच है कि जब चीज़ नई होती है तो उसमें ताकत होती है, बैटरीज में पावर होती है, लेकिन धीरे धीरे उम्र के साथ यह पावर घटती चली जाती है। हाँ, इसी को डिग्रेडेशन कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। अब यह कैसे पता किया जाए कि कब इसका डिग्रेडेशन होता है, तो ध्यान से समझें, बैटरीज का डिग्रेडेशन लगभग 70-80% साइकिल ख़त्म होने के बाद रैपिडली होने लगता है। जैसे एक हम एवरेज मान लें कि एक कार के बैटरीज के 2000 साइकिल्स हैं, तो 2000 साइकिल्स में जब 1200-1300 साइकिल्स हो जाएंगे तब तक तो बैटरीज अपनी 95-98% परफॉर्मेंस देंगी, लेकिन जब यह 1500 साइकिल्स कंप्लीट हो जाएंगे तो इसका परफॉर्मेंस घट जाएगी और यह अपनी कैपेसिटी का लगभग 85% परफॉर्मेंस दे पाएंगी। यानी कि एक 40 किलोवाट की बैटरी सिर्फ 34 किलोवाट की तरह से परफॉर्म कर पाएगी, यानी वो 320 किलोमीटर की रेंज देने वाली कार आपको अब 260 किलोमीटर की रेंज दे पाएगी इतनी बार चार्ज करने के बाद। फिर वैसे ही और घटेगी, जब आप इस कार को 1500 साइकिल्स तक चला लेंगे तब इसकी रेंज घट जाएगी और यह 240 की जगह फिर 220 किलोमीटर रह जाएगी, यानी अपनी कैपेसिटी का लगभग 70% परफॉर्मेंस देगी और जब लास्ट साइकिल आएगा तो यह अपनी कैपेसिटी का लगभग 40% परफॉर्मेंस दे पाएगी। 320 किलोमीटर की रेंज वाली कार आपको 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर की परफॉर्मेंस दे पाएगी, यानी वह अपनी उम्र पे पहुंच गई। उसके बाद क्या, इस बैटरीज को क्या ऐसे ही रिसाइकिल कर दिया जाता है, तो समझते हैं पहले ये बैटरीज हैं क्या। बैटरीज हैं निकल कैडमियम कोबाल्ट बैटरीज हैं, इसके अलावा NIMH जो हम कहते हैं, और लिथियम ऑन बैटरीज हैं, लिथियम पॉलीमर बैटरीज हैं। ये तीन तरह की मेन कॉमन बैटरीज इस समय यूज हो रही हैं और इन बैटरी साइकिल्स लगभग सिमिलर ही चल रहे हैं, 1000 से लेकर 2400 साइकिल्स के बीच में इस समय आ रही हैं। हालांकि इंटरनेशनली इतनी साइकिल्स वाली बैटरीज आ गई कि इन्हें आप 5000 साइकिल्स तक यूज कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव हैं इसलिए अभी यूज नहीं हो रही है, और अंडर टेस्टिंग प्रोसेस भी चल रही है कुछ बैटरीज तो, जो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी फ्यूचर में, लेकिन अभी जो फिलहाल अवेलेबल हैं वह 1000 से 2000 साइकिल्स के बीच में अवेलेबल है। और अब बैटरी रिसाइकिल क्या होती है। नॉर्मली जो हमारे घर में बैटरीज होती है जिन्हें हम लेड एसिड बैटरीज कहते हैं, हमारे घर के इन्वर्टर्स में या कार की नॉर्मल बैटरीज वो होती हैं लेड एसिड बैटरी, उनको क्या होता है, बेच दिया जाता है और उनको फिर रिसाइकिल किया जाता है, उनसे लेड अलग किया जाता है, उसमें काफ़ी पॉल्यूशन होता है। लेकिन ये जो लिथियम आयन निकल कोबाल्ट या फिर आपकी लिथियम पॉलीमर बैटरीज जो है, इनको रीयूज कर लिया जाता है। अब इन बैटरीज को आप अपने UPS में यूज कर सकते हैं, घर के इन्वर्टर में यूज कर सकते हैं। इस तरह से इनको रिसाइकिल करने से पहले एक बार और कम से कम आसानी से यूज कर सकते हैं, यानी खराब होने के बाद, कार के लिए बेकार होने के बाद, कंडम होने के बाद भी इन बैटरीज को आप अगले 5 से 10 साल और यूज कर सकते हैं घर के लाइटिंग के लिए। और मैं आपको बता दूं, यह जैसे मान लिया कि
40 किलोवाट का हमने एग्जांपल लिया, 40 किलोवाट का डिग्रेड होने के बाद भी यह बैटरीज लगभग 22 किलोवाट के आसपास का आपको परफॉर्मेंस देगी। और 22 किलोवाट का मतलब आप समझे, एक बार फुल चार्ज करने के बाद मेरे जैसे घर में जहां बड़े बड़े टीवी और एसी और सब चीज़ चलती है, उन सबको चलाने के लिए 3 दिन तक फुल पावर में आपको परफॉर्मेंस दे पाएंगी। यानी 3 दिन तक अगर लाइट नहीं आए तो भी आप फुल मजे उठा सकते हो, इतनी पावर बची होती है। तो आप समझ गए, ये बैटरी कबाड़ नहीं हो पाती, इनको आप रीयूज कर पाते हैं, वो भी अगले 8 से 10 साल तक के लिए, क्योंकि इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। तो आप समझ गए, इलेक्ट्रिक कारों की बैटरी डिग्रेड होती है और डिग्रेड होने के बाद रीयूज होती हैं, इनको रीसाइकिल करने का नंबर लगभग 15 से 18 साल बाद आता है। यानी एक बैटरी की उम्र 18 साल कम से कम मान के चलिए, अगर उनको नॉर्मल यूज किया जाता है। लेकिन हम इंडियंस एक्चुअल में कारों को बहुत कम यूज करते हैं। अगर आपको बताया जाए तो हम डिमांड तो कहते हैं कि हमारी कार एक बार चार्ज होने पे 1000 किलोमीटर चले, लेकिन सच बात तो ये कि हमारे इंडिया में प्रैक्टिकल इस समय जो है वह है 13 किलोमीटर का एवरेज। यानी आदमी एक दिन में 13 किलोमीटर चलता है। ये हम सब हिंदुस्तानी कारों को मिला के निकाला गया एवरेज है। कुछ लोग 100 किलोमीटर चलते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या मुश्किल से 3% है। तो आम एवरेज लोग 20 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर ही चलते हैं, ज्यादा नहीं चलते हैं एक दिन में। तो मैं समझ नहीं पाया कि लोग क्यों कह रहे हैं कि हमें 1000 किलोमीटर चलने वाली कार चाहिए। वो वैसे ही है कि आदमी को जरूरत तो एक रोटी के लिए, लेकिन जबरदस्ती कह रहा मैं 10 रोटी खाऊंगा। ओके, अब आप समझ गया ना कि अननेसेसरी ज्यादा कैपेसिटी वाली कारों की डिमांड की जा रही, जो गलत है। हमें औसतन क्या जरूरत है, एक 250 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर की रेंज बहुत अच्छी रेंज रहेगी हम इंडियंस के लिए। और कुछ लोगों के लिए तो शायद 200 किलोमीटर की रेंज भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि अगर आप मानो या ना मानो, ये बात जान सकते हो, 120 किलोमीटर 130 किलोमीटर की चलने वाली सीएनजी कार से भी हम सब खुश हैं। तो समझ गए ना, 200 किलोमीटर बहुत बेहतर है उनसे। अब आप समझ गया कि कार बैटरी का डिग्रेडेशन कितना बड़ा इशू है और इसे कैसे किया जाता है। एक और समस्या है, उसके बारे में अगले वीडियो में बात करूंगा, वह है सेल का डीप डिस्चार्ज होना। क्या आप जानना चाहते हैं कि यह क्या होता है? अगर आप जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए पोल में मुझे बताइए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, जिससे आप समझ सकें कि इलेक्ट्रिक कारों की एक और समस्या वह क्या है और उसे कैसे निदान पाया जाता है। ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो एक लाइक का बटन दबाइए, नहीं पसंद आया है डिसलाइक का बटन दबाइए, और मेरी मेहनत इग्नोर मत को लाइक करो, अच्छा लगता है। हाँ, अगर आप यह जानना चाहते हैं कि एक कार की बैटरी को चार्ज करते समय कितनी बिजली खर्च होती है, तो ऊपर आई बटन पे वीडियो को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितनी बिजली खर्च होती है। ऐसी बेहतरीन वीडियो आप रेगुलर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल को पुश करना ना भूलिए। मुलाकात होगी हमारी और आपकी अगले वीडियो में। देखते रहिए आस्क कार गुरु।